हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे बड़े माता पिता, बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम। मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अपना तो ख्याल रखिए, साथ साथ अपनी फैमिली का भी रखिए, और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए ताकि आप रह सकें स्वस्थ, मस्त और एनर्जी से भरे हुए, ताकि हर एक काम करने में आप निपुण रहें, किसी की सहायता वगैरह लेने की ज़रूरत ना पड़े। सहायता से याद आया दोस्तों कि कभी कभार ना हम किसी के ऊपर ज़्यादा ही आश्रित हो जाते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, तो वो जो डिपेंड हम होते हैं ना, वो हमारे लिए ही आगे चल के हानिकारक होता है। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ काम में उसका सहारा लेने की या उसकी आदत सी पड़ने लग जाती है। तो वो जब कभी इंसान हमारे काम पे या हमको जब उसकी ज़रूरत होती है, जब हमें नहीं मिलता है या हमें सहारा उसका नहीं मिलता है, तो हमको उस समय बहुत बुरा लगता है। और हम अपने लिए, आगे के लिए अपना ना अस्तित्व जो होता है, वजूद जो होता है, वो हम उसको खो देते हैं, क्योंकि हमको वो सब चीज़ करने की आदत छूट गई होती है जो कि हम अपने से खुद से अपना कर रहे थे, और हम दूसरे के ऊपर आश्रित होने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमको अगर कुछ भी करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो हमें खुद अपने दम पर ही करना चाहिए। किसी का सहारा लेके या किसी से मतलब रिक्वेस्ट करके ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के अगर वो इंसान अगर हमारी अगर मदद करने के लिए अगर मना कर देता है या हमारा साथ नहीं देता है, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ लेके अगर नकार देता है, तो उस समय जितना हमको तकलीफ़ होगी ना, शायद वो तकलीफ़ इस टाइम पे नहीं होगी जितनी हमको आज मेहनत करने में लग रही है। अगर हम अपना सारा फोकस उस चीज़ को मेहनत करने में पाने में अगर लगा देना, तो शायद हमको वो चीज़ भी मिल जाए और किसी के आगे हमको गिड़गिड़ाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आज का ये छोटा सा विचार आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैंने घर की झाड़ू जो भी थी अंदर से लगा के मैंने निकाल ली है, और मॉर्निंग में मैं 6:30 बजे तकरीबन उठ गई थी, लेकिन फ्रेश वगैरह होने के बाद उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट किया। तो संडे है तो थोड़ा छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा काम भी आराम से ही होता है, और कुछ ना कुछ अगर हम नहीं भी अगर सोचते ना, तो भी संडे के दिन काम निकल ही जाता है। और जब कोई चीज़ एक बार मन में बैठ जाती है ना कि हाँ ये हमको करना है, तो फिर जब तक वो काम हो ना जाए ना, तब तक मन में बैठा रहता है कि हाँ ये काम मुझे करना है। तो देखिए मेरे दरवाजे के झाड़ू भी लग चुके हैं, क्योंकि सारी पत्तियाँ यहाँ पे गिरी हुई थी और दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो रोज़ जो है तो मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगा पाती, अम्मा ही लगाती हैं, लेकिन आज मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि आज संडे था और बच्चों को जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ देना नहीं था। तो इधर रिया को शौक लगा था, वो चौका लगा रही है, मतलब मिट्टी से जो कि लगाया जाता है चूल्हे वगैरह पे गाँव में, तो वही चौका लगा रही थी। और इधर देखिए बर्तन वगैरह मैंने रात को ही धो दिए थे, तो मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा इसी टाइम क्यों ना अभी झाड़ू वगैरह लगा के, तकरीबन 7 ही बज रहे हैं। तो कई दिन से, और होली में मैं मतलब बाथरूम नहीं साफ कर पाई थी, तो जाले भी लगे हुए थे, और जो ये पुट्टी करवा रखी है ना, ये पुट्टी भी निकल के सारा नीचे इसकी सफ़ेदी आ रही थी। तो मैंने सोचा इसी टाइम जाले वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे और मतलब थोड़ा बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा। तो आज मैं बाथरूम क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये जो मैं डाल रही हूँ ये ब्लीचिंग पाउडर है, जिससे ना टाइल्स पे जो भी मतलब पीलापन सा हो जाता है ना, और काले काले वगैरह जो नीचे किनारे की साइड एकदम से टाइल्स के बीच बीच में हो जाते हैं, तो वो साफ़ हो जाता है। तो नीचे तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है, और ऊपर जो मैं रगड़ रही हूँ ये बर्तन मांजने वाला मतलब नॉर्मली घड़ी साबुन है, और स्क्रबर से लेके मैं रगड़ दे रही हूँ। तो ये मैं टाइल्स इसलिए साफ कर रही हूँ क्योंकि इस पर ना नहाते समय जो भी पानी के छींटे वगैरह, होली के टाइम पे भी मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि होली के दिन फिर सब लोग नहाएंगे धोएंगे, तो कलर्स वगैरह के जो धब्बे रहेंगे वो सब भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो साफ़ करने के लिए मैंने सोचा होली के बाद ही किया जाएगा। तो आज चिप्स वगैरह काटने के बाद तो अब छुट्टी मिल गई है, इन सब चीज़ों की नहीं वो है, तो थोड़ा बहुत भी उधर पर्दे वर्दे का काम भी मेरा सब खत्म हो गया है। तो अभी बचा था ये मतलब बाथरूम की क्लीनिंग करना। तो जाले वगैरह तो हमेशा ही होते रहते हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते में तो होते ही रहते हैं, और गांव में तो अक्सर करके जाले वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, और गंदा भी ज़्यादा होता है क्योंकि मिट्टी का ही सारा घर रहता है। तो मिट्टी धूल वगैरह, जैसे कि अब बाहर अगर पूरा फर्श रहे, टाइल रहे, तो बाथरूम में अगर हम लोग जा रहे हैं तो उतनी मिट्टी वगैरह नहीं आएगी, लेकिन अभी बाहर मिट्टी है और हम लोग इसमें जो बाथरूम में जाते हैं तो ज़रूर चप्पल से मिट्टी वगैरह जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी से हो जाती है। तो मुझे गंदा बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे क्या, मेरे ख्याल सभी लेडीज़ को अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत ही कम लेडीज़ है जिनको अपनी साफ़ सफाई ना पसंद हो, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, जो चीज़ जैसी है नई की नई वैसी बनी रहे।
तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन सामान वैसा का वैसा हमारा बना रहता है। तो जरा सी मेहनत के बदले अगर हमको अगर साफ सफाई साफ सुथरी अगर चीज़ मिल रही है तो उसमें दिक्कत ही क्या है। तो इधर देखिए मेरी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, मतलब बकायदा मैंने स्क्रबर से पूरे टाइल्स वगैरह धो दिए हैं रगड़ के, और बाथरूम मेरा एकदम क्लीन क्लीन हो चुका है। वॉशिंग मशीन में मेरी मतलब कपड़े धोते हैं सुबह के टाइम पे, तो इसीलिए मैंने उसको साफ कर दिया है। और सूख जाएगी ना तो कवर इसका रखा हुआ वो मैं लगा दूंगी। और इधर देखिए, इधर अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने फ्राई किए हैं चिप्स, क्योंकि अभी खाली चाय तो मैंने कहा आपसे कि मैं भी नहीं पीती और मेरे बच्चे भी नहीं पी पाते, तो सोचा कि संडे के दिन आज चिप्स ही तल लिया जाए, क्योंकि अभी कुछ पराठे वगैरह बनाने का मुझे मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि थकावट सी लग रही थी। तो इधर मैंने चिप्स तल लेते हैं, जब तक बच्चे कुछ खाएंगे पियेंगे तब तक कुछ खाना पीना बन जाएगा। तो इधर पापड़ वगैरह मैंने तल लिए हैं, और सबके लिए चाय मैं इकट्ठा ही ले आई थी कि आइए सब लोग एक साथ पी लीजिए, नहीं तो अम्मा बाहर रहती है ना तो उनको बाहर देना पड़ता है, हम इधर पीते हैं अलग अलग नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए अम्मा को ही बुला लिया। और हनी इधर अपना बदमाशी कर रहा है, और बच्चे नहाए थे तो अभी देखिए सर इसका गीला है तो इसलिए बाल नहीं बांधे हैं, क्योंकि अभी बाल गीले हैं तो नहीं अच्छा लगता। आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। और इधर हो चुका है शाम का टाइम, मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी। और इधर शाम को 4 तकरीबन बज रहे हैं, तो जब बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी तो बच्चों की डिमांड हुई आज और चाउमीन की, तो बच्चों ने कहा मम्मी चाउमीन आ जाए, तो इनके पापा ने को ये ज़्यादा पसंद रहता है कि हाँ बाहर से जितनी आएगी उससे बेटर है घर में हम लेके आके बना लें, तो ज़्यादा ही मिलेगी और बच्चे पेट भर खा भी लेंगे और हेल्थी भी रहेगा, घर का जो रहता है वो कुछ और ही बात रहती है। तो इधर चौराहे वगैरह जो देते हैं ना वो काफ़ी थोड़ी सी देते हैं, 10 रुपये की देंगे, बहुत थोड़ी सी देते हैं, तो उतने में तो बच्चों का मन भी नहीं भरता। तो इधर देखिए चाउमीन को मैंने ले लिया है, गर्म पानी में थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने सारी चीज़ कट कर ली थी, मैंने नहीं की थी ये काम, मैंने आज भी रिया के पापा को ही दिया था, उन्होंने ही कट किया था, मतलब आज उनसे ज़्यादा काम मैंने नहीं करवाया है। तो इधर शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है चाउमीन में, जब क्रंचीपन आता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही रखी है। और इधर देखिए सारे विनेगर, काला सिरका और मतलब चटनी, रेड चटनी, ग्रीन चिली सॉस और ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब काली मिर्च का पाउडर, और इधर नमक, सब कुछ मैंने ले लिया है। इधर सारा सामान मेरा रेडी है, तो मुझे अभी चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गया है इसको उबलते हुए कि कैसा है। हल्का सा बस टूटना चाहिए, ज़्यादा हमको एकदम पकने वाले की मतलब उसका वो नहीं चाहिए कि एकदम से गल जाए, थोड़ा सा कच्चापन रहना चाहिए कि आराम से खाली टूट जाए। देखिए हमारी चावल अच्छे से टूट रही है। इधर चलते हैं अब बना लेते हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, सबसे पहले मैं रिद्धि और हनी के लिए बना रही थी क्योंकि ये लोग तीखा थोड़ा कम खाते हैं, तो इनके लिए अलग बना रही थी और हम अपना अलग बनाएंगे। तो हल्का सा ही फ्राई मुझे मतलब करना था, ज़्यादा नहीं कि कच्चापन रहे। तो इधर से प्याज मैंने डाल लिया है, अब शिमला मिर्च डाल के तुरंत पत्ता को भी डाल लूँगी ताकि कच्चापन इसमें रहे, वो मतलब एकदम पके ना। और सब्जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही कट की है। और चाउमीन बनाना बहुत ही सरल रहता है और पेट भर के बच्चे खाते भी हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और आज तो बच्चों की मेरी मौज हो गई थी, मतलब उसके बाद तो शाम का खाना इन लोगों ने नहीं खाया था। ऐसा रहता है जो चीज़ अगर पेट भर के बच्चे खा लेते हैं फिर शाम को वो लोग नहीं खाते, मेरे घर में ऐसे ही रहता है कभी कभार बच्चे कि मम्मा पेट भरा हुआ अब नहीं खाऊंगी। तो इधर देखिए रेड चिली सॉस मैंने डाल दिया है, इधर सिरका डाल दिया है ब्लैक वाला, अब इधर नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डाल दूंगी, और इधर ग्रीन चिली सॉस मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि बच्चे तीखा खाते नहीं हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर मैंने नहीं डाला है, और इधर विनेगर डाल दिया है मैंने। और देखिए अच्छे तरह से मिलाते हुए चाउमीन एकदम हमारी तैयार हो गई है, और देखने में जितनी अच्छी लग रही ना उतनी ज़्यादा खाने ही बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी खाने में। तो इनके पापा सबको मतलब रिया को तीखा पसंद है तो वो थोड़ा ग्रीन चिली सॉस ले रही थी, और इनके पापा भी थोड़ा तीखा खा रहे थे। तो इधर हम सब लोग बैठ गए खाने के लिए और काफ़ी टेस्टी चाउमीन है उसका इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग तो बोल रहे थे कि मम्मा चलिए आज मतलब बैट लगाते हैं कि कौन जीतेगा, सबसे पहले खाते हैं कौन कौन खाएगा। प्रिया मैं बोला चुपचाप खा लो, दे दिया है बना के, मतलब ज़्यादा चैलेंज वाला मत देखो, मैं उसको वही बोल रही थी कि ऐसे चैलेंज लगाने के लिए मम्मी।
तो आइए आप सब भी खा लीजिए। तो आज का ये वीडियो व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।